खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त को कभी नहीं हुई गंभीर पहल। नगर परिषद के गठन के बाद व पूर्व से शहर में ड्रेनेज सिस्टम की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव अस्थायी रूप से बरकरार रहता है। यहां अमूमन सभी वार्डों में जल निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के कुछ एक मोहल्लों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगह ड्रेनेज सिस्टम से बेदखल है। यहाँ सीवरेज की बात करनी भी बेमानी है। यहाँ न तो जल निकासी की व्यवस्था है, न ही नाला से गंदा पानी और मल मूत्र की निकासी और प्रवाह का सही प्रबंध किया गया है। जेवर गिरवी रख पेट्रोल के लिए जुटाया पैसा, गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने गोड्डा से ग्वालियर पहुंचा। खबर झारखंड के गोड्डा जिले के घंटा गांव के रहने वाले धनंजय कुमार हासदा व उनकी पत्नी सोनी हेम्ब्रम ने यह तय किया कि स्कूटी से ही ग्वालियर जाएंगे। कैंटीन में काम करने वाले धनंजय लॉकडाउन में उसके बंद होने पर बेरोजगार हैं। ऐसे में उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे गाड़ी रिजर्व कर पत्नी को शिक्षक पात्रता से संबंधित परीक्षा दिलाने 1200 किलोमीटर दूर ग्वालियर जाते। धनंजय के अनुसार उसमें 25,000 का खर्च आता। हालांकि धनंजय ने ट्रेन से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके जाने से एक दो दिन पहले ही ग्वालियर जाने वाली ट्रेन बंद हो गई। ऐसे में उनके पास अपनी स्कूटी की एकमात्र सहारा थी। धनंजय के पास सारे कागजात स्कूटी के दुरुस्त थे। जब उन्होंने स्कूटी से करीब 1200 किलोमीटर दूर जाने की बात लोगों को बताई तो सबसे आश्चर्य जताया और मना किया। आखिर कब सुनी जाएगी दुष्कर्म पीड़िता की पुकार? गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बसंतराय थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के अंगद कुमार और सुभाष यादव द्वारा दुष्कर्म किया गया था। इसको लेकर बीते 21 अगस्त को पीड़िता ने बसंतराय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बसंतराय प्रशासन ने कांड संख्या 66/20 के तहत मामला दर्ज तो किया, लेकिन मामला दायर होने से 10 दिनों में अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी बाहर घूम रहा है। इसे लेकर कहीं न कहीं पीड़िता के परिजनों में प्रशासन की उदासीनता कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। इस बाबत पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। दुष्कर्मियों ने उसे मरणासन्न स्थिति में फेंक दिया था। वहीं आरोपित के परिजन भी लगातार धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने बसंतराय प्रशासन के ऊपर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए गोड्डा जिला पुलिस अधीक्षक YS रमेश से निहार की गुहार लगाते हुए अविलंब आरोपित को गिरफ्तार की मांग की है। इस बाबत जब बसंतराय थाना प्रभारी ने एक को पकड़कर जेल भेज दिया है। राजमहल खदान हादसे के शवों की तलाश जारी। खबर गोड्डा के ललमटिया राजमहल परियोजना में हुए दर्दनाक खदान हादसे की भले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी हो, पर इस खदान में दबे कुल 23 लोगों में 2 मजदूरों का शव अभी भी नहीं मिल पाया है। वहीं 5 शवों की पहचान भी नहीं हो सकी है। लोगों को अब अपने परिजनों की अवशेष का इंतजार अब भी है, लेकिन अब उसकी संभावना छिन्न होती दिख रही है। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में कार्य कर रहे महालक्ष्मी कंपनी ने भी अब इसकी तलाश की उम्मीद छोड़ दी है। कयास लगाया जा रहा है कि हाल ही में संभावित क्षेत्र के कुछ हिस्से में लगी आग के कारण अवशेष समाप्त हो चुके होंगे। निशिकांत दुबे ने देवघर में नया हवाई अड्डे के तोहफे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री को धन्यवाद दिया। देवघर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के तोहफे को जल्दी धरातल पर लाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री जी का धन्यवाद एवं इस एयरपोर्ट का शिखर बाबा बैद्यनाथ जी के मंदिर की तरफ होगा। देवघर एयरपोर्ट के विकास से अंग प्रदेश व खासकर संथाल परगना का पर्यटन विकास होगा। टर्मिनल बिल्डिंग देवघर का 4000 स्क्वायर मीटर का होगा। यह 320 टाइप प्लेन उतारने में सक्षम होगा। इसमें 6 चेक इन काउंटर होगा, जिसमें 2 बेल्ट होगा। देवघर एयरपोर्ट रांची के बाद झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट होगा। इस हवाई अड्डे के विकास से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में सुधार होगा। सांख्य योग का विश्व प्रसिद्ध साधना स्थल है कपिल मठ। देवघर के मधुपुर भारत में सांख्य योग का साधना पर आधारित मधुपुर के 52 बीघा स्थित
कपिल मठ विश्व प्रसिद्ध साधना स्थल है। इसकी एक अन्य शाखा दार्जिलिंग के कास्यांग में है। सांख्य धर्म प्रचार के लिए वर्ष 1987-28 में इस मठ की स्थापना सांख्य योगाचार्य स्वामी हरिदयानंद अरण्य ने की थी। इस जगत में कपिल मुनि के बाद वे पहले साधक थे जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांख्य दर्शन विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। शहर से भारी संख्या में हटाए गए होर्डिंग बैनर। देवघर शहर में नगर निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग बैनर लगाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व में ही निगम प्रशासन की ओर से बिना अनुमति के होर्डिंग बैनर लगाने वाले को आगाह किया गया था। इसके बावजूद होर्डिंग बैनर को नहीं हटाया गया। गुरुवार को निगम की ओर से अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग बैनर को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाके से होर्डिंग बैनर को हटाने का काम किया गया है। सुबह से निगम के कर्मियों की ओर से इस काम में जुटे रहे। अभियान आगे भी चलेगा। जब तक पूरी तरह से अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग बैनर को हटा नहीं लिया जाता, किसी के द्वारा बिना अनुमति के होर्डिंग बैनर लगाने का काम किया जाता है, तो संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ अवैध विज्ञापन की धारा 173(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इग्नू में नामांकन की तिथि 15 तक बढ़ी। इग्नू में जुलाई सत्र 2020 में नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। यह जानकारी देते हुए एसपी कॉलेज इग्नू के समन्वयक डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि जुलाई 2020 सत्र के लिए पूर्व में नामांकन की तिथि 31 अगस्त तक थी। डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय की ओर से 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इग्नू की सत्रांश परीक्षा जून 2020 के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। इग्नू के द्वारा 17 सितंबर 2020 से उक्त परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। कुछ ही दिन के बाद परीक्षा कार्यक्रम आ जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा जून में ही होनी थी लेकिन कोरोना के कारण टल गई। जनता है परेशान, बिहार से भी भाजपा का सफाया तय, इरफान अंसारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक इरफान अंसारी एवं बहरी विधायक उमाशंकर अकेला ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार के सौतेले रवैया के कारण झारखंड को पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जानबूझकर झारखंड का विकास को रोका जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि झारखंड का विकास हो, या फिर दलित आदिवासी अल्पसंख्यक या फिर यहाँ के मूलवासियों का विकास हो सके। कोयला से दूसरे राज्यों में बिजली चलती है परंतु झारखंड में बिजली का अभाव है। केंद्र सरकार अब GST का पैसा राज्य सरकार को लोन लेकर देने की बात कह रही है। विधायक ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को लोकमान्य करार देते हुए कहा कि भाजपा ने साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया है और आज तक जेल में बंद कर रखा है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है कि लालू जी बिहार चुनाव में प्रसार न कर सके। दूध उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की समृद्धि। जिला के पशुपालकों को घर पर ही निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करें ताकि उच्च गुणवत्ता तथा उत्तम नस्ल की संतति प्राप्त हो सके। इससे न केवल दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। गुरुवार को अपने कार्यकाल कक्ष में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज 2 के बेहतर क्रियान्वयन को ले उपायुक्त फैज अहमद मुमताज पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि फेज 2 के अंतर्गत जिले में कुल 50,000 गाय भैंस में उन्नत नस्ल की सीमेन डोज से कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, जिसके लिए 500 ग्रामों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के अंतर्गत जिले के सभी पशुपालकों को प्रजनन योग्य गाय अथवा भैंस को उत्तम नस्ल की सीमेन की मदद से निःशुल्क गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके घर द्वार पर दुधारू पशुओं के लिए बेहतर कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान कर देसी मवेशियों व गायों की नस्ल में सुधार लाना है। इससे पशुओं में होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और वे कम बीमार पड़ेंगे। नस्ल सुधार के साथ गाय मवेशियों के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होने से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। खबर है साहेबगंज के तलझारी से। मजदूरी भुगतान में बैंक करे सकारात्मक पहल। मनरेगा मजदूरों के भुगतान में ट्रांजैक्शन सहित अन्य समस्याओं को लेकर तलझारी BDO साइमन मरांडी ने गुरुवार को SBI की लालमाटी शाखा के प्रबंधक सैमुअल चरण मुर्मू से विचार विमर्श किया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि जॉब कार्डधारियों का सही बैंक खाता आधार संख्या तथा KYC होना आवश्यक है।
इससे समस्या पर नियंत्रण हो सकता है। बीडीओ ने शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि जो भी जॉब कार्ड केवाईसी कराने आए उनका केवाईसी अविलंब कर दिया जाए, साथ ही जिनके बैंक खाता में राशि प्राप्त हो चुकी है उन्हें तुरंत भुगतान करने की व्यवस्था की जाए ताकि मजदूरों को भुगतान हो सके, इससे मनरेगा में गति आएगी। शाखा प्रबंधक ने आश्वस्त किया कि मजदूरी की समस्या के निदान हेतु बैंक प्रयास करेगा। शाखा प्रबंधक ने कहा कि नवंबर तक सभी CSP में प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, इससे बैंकिंग कार्यों में और अधिक सुविधा ग्राहकों को मिलेगी। खबर है साहेबगंज के स्थानीय बाजार से सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा है किचन का बजट। स्थानीय बाजारों में इन दिनों सब्जी की कीमत पर अचानक वृद्धि हो गई है। 10 रुपया प्रति किलो बिकने वाली सब्जी इन दिनों 30 रुपया प्रति किलो बिक रही है, इससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। लोग किलो की जगह पाव में सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बाढ़ की वजह से दियारा क्षेत्र डूब गया है, इस वजह से सब्जी बर्बाद हो गई। ट्रेन परिचालन बंद करने से बाहर से सब्जी नहीं आ रही है, इसलिए सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। ट्रेन चालू रहने से बिहार व पश्चिम बंगाल से भी यहां सब्जियां आ जाती थी, ऐसे में दाम बढ़ना स्वाभाविक है। सब्जी विक्रेता महेश चौधरी कहते हैं कि क्या करें, सब्जी मिल ही नहीं रही है, मिल भी रही है तो काफ़ी अधिक दाम देना पड़ रहा है, उच्च खरीदारी करने की वजह से महंगा बेचना मजबूरी है। ईश्वर लाल कहते हैं कि बाढ़ ने तो सब्जी का दाम बढ़ा दिया है, बाढ़ से पूरा दियारा डूब चुका है, इस वजह से दियारा में लगी सब्जी की खेती बर्बाद हो गई है। जब सब्जी का उत्पादन कम होगा तो दाम तो बढ़ेगा ही। विजय मंडल कहते हैं कि पहले जब ट्रेन चलती थी तो आराम से अन्य स्थान से सब्जी आ जाती थी। खबर है साहेबगंज के कोटाल पोखर से जांच में आवास योजना में फर्जी निकासी की पुष्टि है। प्रारंभिक जांच में पटना प्रखंड की शहरी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी की निकासी पुष्टि हुई है, इसके बाद इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। उपायुक्त चितरंजन कुमार के निर्देश पर गुरुवार को पटना BDO सुमन कुमार सौरभ ने शहरी पंचायत में घुटी झरना और केस चिपड़ी गाँव में लाभुक मरकुश मालतो, चांदू मालतो, समियल पहाड़िया और मेसा पहाड़िया से मामले की जानकारी ली। चारों लाभुकों से बारी बारी से आवास निर्माण और राशि निकासी के संबंध में पूछताछ की। BDO ने बताया कि लाभुकों से पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिसके नाम पर आवास की स्वीकृति दी गई है उससे पैसा नहीं मिला है, हालांकि उनके नाम पर राशि निकासी हो गई है। प्राथमिक जाँच में लाभुक की शिकायत सही लग रही है। BDO ने कहा है कि मामले की जांच जिले के वरीय अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिला स्तरीय टीम शुक्रवार को यहां आ सकती है, जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। BDO के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार, कनी अभियंता रवि कुमार भी गाँव गए थे। मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, इनमें से DRDA निदेशक मंजू रानी स्वासी, प्रधानमंत्री आवास के जिला समन्वय सुमित चौबे व पटना BDO सुमन कुमार सौरभ शामिल है। टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। खबर है पाकुड़ से विस्तृत प्रस्ताव के साथ ही अगली बैठक में आए अधिकारी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के महत्वाकांक्षी योजना की जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। उन्होंने समिति सदस्यों को फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने JSLPS के जिला परियोजना प्रबंधक से वर्तमान में समूह के साथ द्वारा किए जा रहे कार्य, उसकी वार्षिक टर्नओवर, लाभ आदि की जानकारी ली। अन्य विभाग के अधिकारियों से भी FPO गठन एवं फोकस एरिया के संबंध में पूछा, उनके साथ निर्धारित प्रस्तावों पर चर्चा की। इस क्रम में विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में तैयार कर लाने उपायुक्त ने संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। खबर है पाकुड़ के हिरणपुर से ट्रक बाइक की टक्कर में 2 जख्मी जवान को पीटा है। दुमका हिरणपुर मुख्य पथ पर स्थित दुर्गा मंदिर के समीप गुरुवार की देर शाम ट्रक व बाइक में टक्कर होगी। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। दोनों की पहचान लिटीपाड़ा थाना क्षेत्र के लेटबाड़ी निवासी देवलाल हेमराम व रायमंड टूडू के रूप में की गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम
कर हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने सिपाही मनोज घोष की पिटाई कर दी। सूचना पर थाना प्रभारी ब्रिज मोहन राम, एसआई विजय कुमार, एएसआई अशोक कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण को समझाने का प्रयास किया। आधा घंटा के बाद जाम हटा। घटना के बाद चालक ट्रक को किनारे खड़ा कर भाग निकला। ग्रामीणों ने बताया कि देवलाल हेमरम और रायमन टुडू एक ही बाइक में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया। इससे दोनों मामूली रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों को समझाने गई पुलिस को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक को थाना ले जाने की तैयारी कर रही थी। ट्रक की सुरक्षा के मद्देनजर सिपाही मनोज घोष को ट्रक में बैठा दिया गया। ग्रामीणों ने ट्रक पर बैठे सिपाही पर भी अपना गुस्सा निकाला। ग्रामीणों ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। हिरणपुर थाना पुलिस ने उस सिपाही को किसी तरह से बचाया। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।